कि तुम उसके देवनहार हो, उसके तुम कर्जदार हो जिसने तुम्हें ज्ञान दिया है। ये नहीं कि तुमने ज्ञान ले लिया और मारी उसके पिछवाड़े में लात, फिर हो चुका तुम्हारा खेल। करण भी ऐसा ही था। कई लोग ऐसे सोचते हैं, हमने तो ज्ञान ले लिया, हमें तो पता लग गया शब्द गुरु क्या है, अब हमने क्या लेना है इस गुरु से, हटाओ इसको। गालियां भी देने लग गए हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। करण भी अपने गुरु के पास ज्ञान पूरा ले चुका था, लेकिन जब गुरु को पता लगा कि इसने मुझसे झूठ बोल के ज्ञान लिया है, छल से ज्ञान लिया है, अब ज्ञान वापस तो नहीं ले सकता वो। मुझे भी यही कहते हैं, अब गुरुजी अब क्या वापस ले लोगे ज्ञान? मैं कहता बिल्कुल नहीं लूंगा, लेकिन अभी बेटा तुम्हें ऊपर वाले की लाठी का पता नहीं है। जब करण ने पूरा ज्ञान ले लिया और सोचा कि छल से ले लूंगा, ज्ञान तो आ ही जाएगा, तब गुरु ने क्या कहा कि बेटा तूने मुझसे छल किया है, जिस वक्त इस ज्ञान की तुझे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी उस वक्त तू इस ज्ञान को भूल जाएगा। ले लो प्रसाद। ऐदा ही प्रसाद मिलते हैं, फिर ये उदी लाठी तो जद पैंदी ना, शिशा खा को फूक वा में दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। अगर गुरु अपनी मर्यादा भंग करता है तो वो भी दोषी है, के चक्कर से ही निकल जाओगे। ये है इसकी महानता। इसलिए अच्छी तरह समझना है क्या बताया जा रहा है। बात आपके भले की है, भले आपको समझ में ना आए,